सौतेले बेटे के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पति का आरोप है कि पत्नी बच्चे के साथ मारपीट करती है। बच्चा 7 साल का है। पुलिस परामर्श केंद्र में मामला पहुंचने पर निस्तारण करा दिया गया। सौतेली मां का बेटे पर उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पति का आरोप है कि पत्नी पहले बच्चे के साथ मारपीट करती है। बच्चा 7 साल का है। पति पत्नी के बीच में रार है। ऐसा ही एक मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचा। पति का आरोप है कि वर्ष 2017 में उनकी पहली शादी हुई थी। पहली बीवी से उनका 7 साल का बेटा है। किसी कारण पहली पत्नी का निधन होने के चलते उन्होंने वर्ष 2022 में दूसरी शादी की थी। पति का आरोप है कि पत्नी पहले बच्चे के साथ मारपीट करती है। इतना ही नहीं, पति के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। परामर्श केंद्र पर एक दूसरा केस अजीब प्रकार का था। पहली शादी लड़के की, लड़के पक्ष ने एप्लीकेशन दी थी, 2017 में हुई। जो पहली शादी हुई थी उसके एक बच्चा है जो कि उसका 7 साल का है। दूसरी शादी उसकी 2021 में हुई और उसका भी एक बच्चा है जो 2 साल का है। लड़के का कहना ये है, सर मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मेरा जो पहली पत्नी से जो बच्चा था उसको ये मारती पीटती है, घर से बाहर निकाल देती है, खाने के लिए कुछ देती नहीं है और जब मैं इससे बोलता हूँ तो ये मेरे साथ में बदतमीजी करती है, मेरे साथ में मारपीट करती है। कभी ये गैस खुला छोड़ देती है, कभी को कुछ मतलब का नाम घर की सफाई नहीं करती है। इन चीज़ों को लेके ये झगड़ा करती है, अपने भाइयों को बुला लेती है, भाई भी मेरे से गाली गलौज देते हैं। तो मैंने उसको समझाया, टाइटली अच्छी तरह से समझाया, अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाएं, तो लड़की की समझ में आ गया है और दोनों में मैंने राजीनामा करा दिया है। और लड़की को खासकर मैंने समझाया है कि आगे से ऐसी हरकतें न करें। काउंसलर डॉक्टर सतीश खेलवार ने बताया कि पति थाना जगदीशपुरा क्षेत्र का रहने वाला है, वहीं पत्नी थाना फतेहपुर सीकरी की रहने वाली है। दोनों की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। पति का आरोप है कि पत्नी पहले बच्चे के साथ मारपीट करती है। इतना ही नहीं, पति के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। फिलहाल काउंसलर डॉक्टर सतीश खेलवार ने दोनों पक्षों को सुना है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पत्नी अपने भाई के साथ मायके रह रही है। दोनों पक्षों को सुनकर उनका राजीनामा कराया गया है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।